twisted in the wind. When you hit the door, and I can't let you go. Oh, memories so sweet. That's just what life. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये प्यारा सा हमारा ट्राइपॉड अभी कवर से बाहर आएगा। तो ये अपने बैग से बाहर आ चुका है, तो आप खुद ही इसकी लुक चेक कर सकते हैं। तो इसे हम फुल ओपन कर लेते हैं। तो ये है इसका लिफ्टिंग हैंडल, जिसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये है इसका लॉक, जिसको घुमाने के बाद आप इसको कहीं भी लॉक कर सकते हैं। अब हम कैमरे को जो ट्राइपॉड के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। तो कैमरा लगाने के लिए इस प्लेट को हमने पीछे करना है, तो यहाँ पे लगे हुए लॉक को हमने पीछे पुश करना है और उसके बाद प्लेट को ऊपर उठा लेना है। तो जैसे ही हम प्लेट को ऊपर उठाएंगे, तो इसके नीचे एक नट नुमा सा बना होता है, तो उसको आपने सीधा कर लेना है और ऊपर कैमरे को रख के तो नीचे से इसको टाइट कर देना है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ऊपर प्लेट को जहाँ पे जगह बनी होगी वहाँ पे रखने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पीछे करना है, तो लॉक ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस लॉक की मदद से इसको टाइट भी कर सकते हैं। इसको हम अगर लूज़ करेंगे तो इजीली हम इसकी मूवमेंट को, इसको मूवमेंट दे सकते हैं। इसको आप लेफ़्ट और राइट में भी मूवमेंट दे सकते हैं और राउंड शेप में भी मूवमेंट आप इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको फुल टॉप और फुल बॉटम पे भी मूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे इस लॉक को आप घुमा के इसका जो हेड है उसको नीचे भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इस पोजीशन में भी वीडियो को शूट कर सकते हैं। जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे कैमरे को सेट कीजिए और उसके बाद जो पेच लगा हुआ है उसको आप टाइट कर दीजिए और जैसे मर्जी चाहें यहाँ पे वीडियो बनाएं इस ट्राइपॉड पे। अगर आप इस हेड को हाफ़ जो क्लोज़ करना चाहें तो हाफ़ क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे चाहें आप यहाँ पे शॉट ले सकते हैं और यहाँ से टाइट कर सकते हैं। तो नीचे जो लॉक लगा हुआ है इसका मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जहाँ पे मर्ज़ी जाके इसको आप सेट करके उसके बाद इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर इस लॉक को खोल दें तो यहाँ पे आप लिफ्टिंग हैंडल की मदद से इसको नीचे और ऊपर इजीली कर सकते हैं, और जहाँ पे आप चाहें तो फिर उसी लॉक की मदद से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर कैमरा फुल ओपन है फिर भी आपको कैमरे की लेंथ कम लग रही है, तो ऐसे आप नीचे से इसको ऊपर कीजिएगा तो थोड़ा सा ट्राइपॉड है जो ऊपर चला जाएगा।
ये जो नीचे आपको हुक नज़र आ रही है DSLR वगैरह को यहाँ पे आप लटका के डिफरेंट शॉट्स ले सकते हैं। यहाँ पे जो कैरी हैंडल है इसको आप अपने हैंड में पकड़ के इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको पकड़ के आप अपने फेस के बराबर ला के या इसको सेल्फी स्टिक समझने बना के भी आप इससे बेहतरीन जो शॉट ले सकते हैं। बाकी कमाल आपके हैंड का है कि आप अपने हैंड से कितनी सफाई लोगों को दिखाते हैं। जिस पेज का मैं आपको बता रहा था कि इस प्लेट के ऊपर कैमरा रख के आप उस पेज की मदद से उस कैमरे को टाइट कर सकते हैं, तो वो पेज ये है। तो अभी हम इस प्लेट को पीछे लगा देते हैं, तो ये देखें खुद ब खुद उसने बता दिया है कि आप लॉक कर सकते हैं। ये जो येलो सा लेवल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसकी मदद से आप ज़मीन का लेवल चेक कर सकते हैं। इस ट्राइपॉड की लंबाई तकरीबन 4.6 फीट है। oh no. yeah, इस लेवल की मदद से भी आप लेवल देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये जो ट्राइपॉड है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप बजट ट्राइपॉड लेना चाहते हैं, तो ये ट्राइपॉड आपके लिए बेस्ट है। तो इससे निकम्मा ना लीजिएगा, यानी कि इससे कम बजट वाला ना लीजिएगा, क्योंकि फिर आप बाद में पछताएंगे मेरी तरह। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपने ट्राइपॉड लेना है, आप अगर एक यूट्यूबर हैं, तो ये बजट भी अच्छा है, तो आप इसे ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। तो फाइनली तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।